हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग नवंबर 2021 में जो आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज किया है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन है। नंबर ए, प्रिपेयर एपीटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। तो हम लोग क्या बनाना है, पीटी कैश बुक बनाना है। डेट दिया हुआ है, उसके बाद ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और फिर अमाउंट दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर पीटी कैश बुक में पैसा किससे मिलता है, मेन कैशियर से। उसके बाद पीटी कैशियर छोटा मोटा खर्चा करता है, तो पैसा मिलने का सोर्स क्या है, मेन कैशियर, उसके बाद सिर्फ वो खर्चा करता है। तो पीटी कैश बुक का फॉर्मेट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम फॉर्मेट को बना लिए। अब करना क्या है, पैसा मिलेगा ये है डेबिट साइड, पेमेंट होगा ये है क्रेडिट साइड। जब हम लोग सारा खर्चा लिख लेंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे कौन सा खर्चा कितना बार रिपीट होता है। चलिए डेट पढ़िए सर, 2021 चल रहा है और जून का महीना, पहला है 1 तारीख, लिखा है रिसीव 1 लाख, 1 लाख रुपया मिला। तो सर पैसा आया तो डेबिट साइड में कितना लिखेंगे, 1 लाख। क्या लिखिएगा, टू कैश। कौन दिया होगा सर, जो मेन कैशियर कैश बुक बनाता है वो दिया होगा। उसके बाद सर, उसके बाद सिर्फ खर्चा और खर्चा है और कुछ भी नहीं। जैसे पढ़िए, बोला है टैक्सी का फेयर 2 तारीख को, जून 2, खर्चा बाय। खर्चा कहां लिखते हैं सर, क्रेडिट साइड में। कैश बुक की तरह सोचो, कैश बुक खर्चा कहां जाता है, क्रेडिट, तो बाय लगता है, तो बाय लिख रहे हैं। किस नाम से, टैक्सी का भाड़ा, कन्वेंस, कितना रुपया, 2000। नेक्स्ट जून 3, लिखा है पेड कार्टेज, तो बाय कार्टेज, अमाउंट 10,000। नेक्स्ट उसके बाद पेड फॉर कुरियर 4 तारीख, बाय कुरियर, कितना अमाउंट, 2000। नेक्स्ट जून 5, लिखा है पेड वेजेज, बाय वेजेज, अमाउंट है वेजेज में 2400। नेक्स्ट सर फिर से 5 तारीख, जून 5 फिर से, बाय, इस बार क्या खर्चा किए, स्टेशनरी, कितना अमाउंट है स्टेशनरी में, 1600। नेक्स्ट जून 6, क्या लिए इस बार, बोल रहा है रिपेयर कराएं, तो बाय रिपेयर, कोई छोटा मोटा रिपेयर होगा, कितने रुपए का, 6000। नेक्स्ट ऑटो का फेयर दिए हैं जून 6, मतलब कन्वेंस लगा है, फिर बाय कन्वेंस, अमाउंट कितने का, 400। नेक्स्ट जून 7, कार्टेज, कितने रुपए का है कार्टेज, 1600 रुपया का। नेक्स्ट कुरियर जून 7, कितने रुपए का है कुरियर, 2800 रुपए का, 2800। उसके बाद अगला डेट जून 8, जून 8 काटे, कितने रुपए का कार्टेज है सर, 12000। नेक्स्ट जून 9, स्टेशनरी, स्टेशनरी का अमाउंट 8000। और फिर है लास्ट जून 10, सन्ड्री एक्सपेंस,
अमाउंट कितने का? 20,000। और हम लोग का क्वेश्चन खत्म। अब बस जोड़ना है और बैलेंस सीडी निकालना है। चलिए जोड़ा जाए और बैलेंस सीडी निकाला जाए। 2000 + 10000 + 2000 + 2400 + 6000 + 4400 + 2800 + 12000 + 8000 + 20000 सब जोड़ के आएगा 68,800। कितना कैश था? 1,00,000। 1,00,000 में पीटी कैशियर इतना एक्सपेंस कर दिया तो बचा कितना? बैलेंस सीडी। आइए माइनस करें, 31,200 रुपीज। अब हम लोगों को क्या करना है कि सर ये जो खर्चा किया है उसको कॉलम में बस भर दीजिए। हम बोले चलो भरा जाए। पहला कन्वेंस, तो सर कन्वेंस के अंदर कार्टेज, तो कार्टेज कार्टेज। कुरियर, सर कुरियर में डालिए 2000। वेजेज, वेजेज में गया 2400। स्टेशनरी 1600। रिपेयर, सर ये तो मिसलिनियस है, 6000। कन्वेंस 400, कार्टेज 1600, कुरियर 2800, कार्टेज 12,000, स्टेशनरी 8,000 और सन्ड्री एक्सपेंस मिसलिनियस में जाएगा 20,000। चलो जोड़ा जाए 26,000, 2400, 4800, 9600, 2400 और 10, 12, 22, 23,600। तो ये हुआ हम लोग का पीटी कैशबुक का सोल्यूशन। लिखिए, आइए अगला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग ईरर अंडर दी 3 कैटेगरी, ईरर ऑफ ओमिशन, ईरर ऑफ कमीशन, ईरर ऑफ प्रिंसिपल। बोल रहा है कुछ नीचे में ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है ये कौन सा ईरर है। ईरर ऑफ ओमिशन, अगर कुछ छूट जाता है हमसे, हम भूल जाते हैं अकाउंट में लिखना, तो उसको बोलते हैं ईरर ऑफ ओमिशन। ईरर ऑफ कमीशन, गलत अमाउंट लिख देना, गलत अकाउंट में लिख देना और गलत जगह लिख देना, उसको बोलते हैं ईरर ऑफ कमीशन। ईरर ऑफ प्रिंसिपल, सर एसेट्स को एक्सपेंस के तौर पे दिखा देना, इसको हम लोग बोलते हैं ईरर ऑफ प्रिंसिपल। पहला, सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, बेचे हैं फर्नीचर, लिख दिए हैं सेल्स, सर ये ईरर ऑफ प्रिंसिपल है क्योंकि फर्नीचर फिक्स एसेट्स है। अगर फिक्स एसेट बेचे हैं तो हम लोग को फिक्स एसेट्स को लिखना चाहिए था, गलती से किसको लिख दिए? सेल्स को। तो ये क्या हो गया? ईरर ऑफ प्रिंसिपल नंबर 1। नंबर 2, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपरली बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड। बोल रहा है पोस्ट करना भूल गए, तो ये क्या है? ओमिशन है, तो ईरर ऑफ ओमिशन। थर्ड नंबर लिखा है गुड्स वर्थ रूपीज 5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक 500। 5,000 का सामान खरीदे हैं लेकिन गलती से 500 रुपए लिखे हैं, तो सर ये क्या है? ईरर ऑफ कमीशन, गलत अमाउंट लिख देना, गलत लेजर में लिख देना, तो सर ये ईरर ऑफ कमीशन। नंबर 4, परचेज वर्थ रूपीज 4,500 फ्रॉम मिस्टर एक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। 4,500 का एक्स से सामान खरीदे हैं और सब्सिडरी बुक में लिखे ही नहीं, ईरर ऑफ ओमिशन, छूट गया। फिफ्थ नंबर, क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। बोलो सेल किए हैं और परचेज बुक से पास किए हैं, तो सर ये ईरर ऑफ कमीशन।
तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का बी, लिखिए।